दोस्तों इतने बजे से खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच में दूसरा वार्म अप मुकाबला। टीम इंडिया में हुए जीत के बावजूद कई बड़े बड़े बदलाव। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के दूसरे वार्म अप मुकाबले के बारे में जो कि खेला जाने वाला है न्यूजीलैंड के खिलाफ। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19 अक्टूबर को दूसरा वार्म अप में मुकाबला जो है वो खेला जाने वाला है। और दोस्तों ये मुकाबला इसलिए भी खास है कि टीम इंडिया को एक बार फिर से मौका मिलेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रैक्टिस का, क्योंकि दोस्तों न्यूजीलैंड ही वो टीम है जिन्होंने भारत के सपने को कई बार तोड़ा है, फिर चाहे वो 50 ओवर वर्ल्ड कप हो या फिर 20 ओवर वर्ल्ड कप। कई बार न्यूजीलैंड ने भारत के सपनों पर पानी फेरा है, तो यहाँ पर टीम इंडिया के पास में मौका होगा अपनी तैयारी और दुरुस्त करने का। दोस्तों इससे पहले टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मुकाबला खेला था जिसमें हारे हुए मैच को जीत के साथ में शुरुआत की। जी हाँ, टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया और इंडिया ने जवाब में 186 रन जड़ दिए। टीम की तरफ से KL राहुल और सूर्य कुमार यादव ने 8 शतक लगाए, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एरन फिंच ने काफ़ी शानदार पारी खेली और टीम को लगभग जीत की दहलीज पर पहुंचा ही दिया था। लेकिन फिर आया मोहम्मद शमी का तूफान और शमी ने इस मुकाबले के आखिरी ओवर में पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया। दोस्तों 19 अक्टूबर को भारत न्यूजीलैंड से भिड़ेगा और इस मुकाबले की टाइमिंग में भी बदलाव देखने को मिलेगा, जहां पर दोस्तों ये वाला मुकाबला दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा, जहां पर दोस्तों आप इस मुकाबले का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर देख सकते हैं। बात करें कि इस मुकाबले में किन किन खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जा सकता है, तो दोस्तों रोहित शर्मा ने पहले बयान दिया था कि मेरी प्लेइंग 11 फाइनल है और उन सभी खिलाड़ियों को बता भी दिया गया है कि वो खेलने वाले हैं, तो ऐसे में उन खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है जो पूरी तरह से फॉर्म में हैं, और जो फॉर्म में नहीं हैं उनको इस मैच में खिलाया जाएगा ताकि इंपॉर्टेंट प्लेयर चोटिल ना हो जाएं। तो दोस्तों बात करें कि कौन से खिलाड़ी फॉर्म में हैं, तो दोस्तों KL राहुल और सूर्य कुमार यादव ये दोनों खिलाड़ियों का फॉर्म जो है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसमें कोई दोराई नहीं है, तो हो सकता है कि इनको आराम दिया जाए और इनकी जगह पर प्लेइंग 11 में दीपक हुड्डा और ऋषभ पंत को मौका दिया जाए। इसके अलावा रोहित शर्मा इस मैच में ओपन करते हुए नजर आएंगे और उनके साथ में हो सकता है दीपक हुड्डा खेलते हुए नजर आए। नंबर 3 पर विराट कोहली खेलेंगे, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव की जगह पर ऋषभ पंत को मौका दिया जा सकता है, नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या, क्योंकि दोस्तों उनकी गेंदबाजी में अभी भी कुछ कमियां हैं तो वो भी अपनी फॉर्म तलाशेंगे। नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक, नंबर 7 पर अक्षर पटेल खेलेंगे इस मैच में, शायद अश्विन जो है वो मिस करते हुए नजर आएंगे। हालांकि दोस्तों ये वार्म अप मैचेस हैं, आप कितने भी प्लेयर्स को खिला सकते हैं, कितने प्लेयर्स को गेंदबाजी भी करा सकते हैं, लेकिन शायद अक्षर को इस मैच में बॉलिंग का मौका मिलेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है और अश्विन ही इस मैच में बॉलिंग करते हैं तो ये साफ हो जाएगा कि भारत अक्षर की जगह पर अश्विन के साथ में जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ। और गेंदबाजी तो अश्विन ने ठीक ठाक करी थी, लेकिन क्या वो प्लेइंग 11 में होंगे ये बात है। नंबर 8 पर हर्षल होंगे, नंबर 9 पर अर्शदीप, 10 पर शमी और 11 पर युजवेंद्र चहल होंगे। इस तरह की प्लेइंग 11 के साथ में टीम इंडिया उतर सकती है इस मुकाबले में। बाकी दोस्तों आपके हिसाब से पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी प्लेइंग 11 के साथ में टीम इंडिया को उतरना चाहिए, इस पर अपनी राय जो है वो जरूर से बताएं। और इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।